दोस्तों बच्चों को तो वैसे कुछ भी खाने को दो सभी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की कुछ स्पेशल तो चीजें होती हैं और मम्मियों को सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि बच्चे जब घर आए या शाम को खेल के वापस आए तो उनको क्या दिया जाए तुरंत बनाकर। तो आज हम आपको बता रहे हैं कपकेक किस तरह से बनाए जा सकते हैं और कपकेक एक ऐसी चीज है जो हर एक बच्चे को पसंद होती है। जी हाँ, ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने देखने में भी टेम्प्टिंग होते हैं। तो आइए चलिए आपको सिखाते हैं कि कपकेक आप घर में कैसे बना सकती हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। मैदा आधा कप, बटर आधा कप, ग्रैन्यूलेटेड शुगर 2/3 कप, 3 अंडे, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, मिल्क 1/4 कप। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले एक लार्ज बाउल में मैदे के साथ सॉल्ट और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में बटर और शुगर पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा वनीला एसेंस और एक अंडा डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक ना सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। ओवन को 15 मिनट पहले ही 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट कर लेंगे। अब एक एक करके दोनों अंडे को ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें मैदा और दूध को अल्टरनेट करके मिक्स करते जाएंगे। Thank you.
मफिन ट्रे में मिक्सचर को अब इस तरह से डालेंगे। अब इसको 14 से 16 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा टेस्टी यमी कपकेक। और देखिए कितना ही आसान है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको अपने बच्चों के लिए परोसने के लिए। तो हम तो ये कहेंगे, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप जरूर इसको घर में ट्राई कीजिए।